हेलो दोस्तों, मैं निर्मल यादव आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जो भी मैं मेरे डेली लाइफ में सीखता हूं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरा एकमात्र इंटेंशन है कि जिस चीज से मुझे फायदा मिला हो सकता है वो चीज आपके लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। आज का टॉपिक है हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। शायद मुश्किल हो आपके लिए, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। चलिए इसको समझते हैं, क्यों आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते। इसका कारण है कुछ लोग डिग्निटी को अटैच्ड रहते हैं, अपने इमेज को देखते हैं, या फिर कई बार उनका ईगो रहता है। इसको समझते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आपको गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक आपने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी गाना पोस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोस्त मजाक उड़ाएंगे, लोग गंदे कमेंट्स करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मुझे जज करेंगे। तो अगर ऐसा सोचते रहे तो आप कभी भी वीडियोस ही नहीं बना पाओगे किसी प्लेटफॉर्म पे। आपको बहुत मजा आता होगा गाना गाने में, लेकिन आप एक चीज लेकर बैठे होंगे कि मैं कहीं स्टूपिड ना लगूं, लोग मुझे मूर्ख ना समझे। यू डोंट लाइक टू बी स्टूपिड, एम आई राइट? Wrong. इसका एग्जांपल मेरे पास है। मैं 3 साल पहले, मेरे को उस वक्त के हिसाब से जितना भी आता था, मैं जो कुछ भी सीखा था उसको लेकर ही मैंने पहला वीडियो YouTube पे पोस्ट किया था। अगर मैं वो वीडियो पोस्ट नहीं किया होता और ये सोचता रहता कि मैं सब सीखने के बाद वीडियो पोस्ट करूंगा, तो शायद आज मैं आपके पास ये वीडियो लेकर नहीं आ सकता था। लेकिन मैंने सोचा था कि क्या होगा अगर लोग मुझे गाली देंगे, कमेंट करेंगे। मैं लोगों के गालियों से, कमेंट से सीखता गया और मुझमें कॉन्फिडेंस आता गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे को कॉन्फिडेंस आता गया और आज मैं आपके बीच में हूं। मैं अब यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने से पहले ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग सोचेंगे कि क्या कर रहा है ये निर्मल, क्यों ये YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे वीडियो डालते रहता है, इसको तो बोलना भी नहीं आता ढंग से। Who cares? कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, मैं मेरे लिए क्या करता हूं। ऐसा एटीट्यूड जिस दिन आप में आ गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। और ऐसा देख के लोग सोचते होंगे कि काश ऐसा मैं भी कर पाता। लाइफ इज Too short to be under confident. मैं चाहता हूं कि आप सब में कॉन्फिडेंस आए। All of you should be feel confidence. कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको 3 बातें जानने की जरूरत है। पहली बात, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो दूसरों के लिए, जिसकी लोग परवाह करें। They have their own life. They take care of their own life. Nobody think about you so much. Then why worry so much? Second है, happiness equals confidence. अगर आप आज बहुत खुश हैं, तो आपके बर्ताव पर, आपके शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। आपके बर्ताव से, आपके शब्दों से आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। और जब आप अंदर से दुखी है तो आप कॉन्फिडेंस फील कर ही नहीं सकते। Third, डर। क्यों लगता है डर? फियर इज अ वेरी बिग रीजन। हारने का डर, फेल होने का डर, क्या है जो आपके अगेंस्ट चलता है? क्या होगा जब मेरे ऊपर लोग हंसेंगे? तो इमेजिन ही कर रहे हैं तो सभी नेगेटिव थिंग्स इमेजिन करने से अच्छा है कि ऐसा सोचो कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत जबरदस्त है। क्या होगा जो आप कर रहे हैं उसको आप लोग बहुत सपोर्ट करने लगे, जो मैं कर रहा हूं उसको लोग बहुत प्यार करने लगे। What you want to do? ये बातें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। कॉन्फिडेंस इज की टू द हैप्पीनेस, टू सक्सेस, टू अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। और ये वीडियो किसी के भी माध्यम से आप तक पहुंचा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो इस बेल आइकन को आप भी हिट कर दीजिए,
क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहता हूँ। आप उसको मिस ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सजेशन भी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।